आज का जो क्लास है बीकॉम के लिए, जो बिजनेस मैथमेटिक्स का क्लास है, उसमें फर्स्ट जो क्लास था उसमें हम लोग क्वेश्चन 1 और 2 देखे थे, जो फर्स्ट एक्सरसाइज था। आज जो क्वेश्चन 3 देखने वाले हैं, तो जो भी चैनल में नए हैं, हम उन लोग से एक गुजारिश करते हैं कि इसको देखने से पहले आप जो फर्स्ट वीडियो है उसको देख लें। उसमें कुछ फार्मूले बताए गए हैं, उनको आप ध्यान में रखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। वे प्ले स्टोर में है, प्ले स्टोर से आप वहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको पूरा समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है कमेंट करें, हम उस क्वेश्चन में फिर से दोबारा आपको वीडियो बना के देंगे। आप घर में रह के आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको हर एक एक्सरसाइज का वीडियो इसी तरह से डेली मिलता जाएगा। आप जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। लगभग 100 के अप्रोक्स में हो गया है मात्र 10 डेज़ में। हमें आप पे गर्व है कि आप लोग मेरे चैनल को इतना प्यार दिया। आपसे ये है कि आप एक बार लाइक ज़रूर करें देखने के बाद अगर पसंद आता है तो, और सब्सक्राइब को चैनल को ज़रूर से करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अगर आएगा तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलता जाएगा और आपका जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वह भी आसानी से निकल जाएगा। तो मैथ का टेंशन अब है नहीं लेना, पूरा कंप्लीट होगा मैथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें हिंदी आज इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको जैसे भी समझना है, जिस फॉर्म में देखना है उस फॉर्म में हम आपके लिए बताने वाले हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा तो जो हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उन लोग भी आसानी से कर सकते हैं। यह वीडियो मुख्य रूप से कुछ कॉलेज को छोड़ के लगभग रांची में सभी कॉलेज के लिए हेल्पफुल है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द 31 फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ द सीरीज़। इसमें सीरीज़ दिया हुआ है, फाइंड करना है 31 टर्म और एंड टर्म। तो इस क्वेश्चन में पहले जो जो दिया हुआ उसको नोट डाउन करते हैं। तो बनाने से पहले यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना है, 1 है। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस को डी भी बोलते हैं, हिंदी में सार्वांतर कहते हैं। इसका फार्मूला होता है T2 - T1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं इसको। साइड में यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो नए हैं उनके लिए, कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे देखेंगे T2 हम लोग का क्या है, -2 है, और यह -1 है। यहाँ पे ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये -3 हो जाएगा। हमेशा आपको याद रखना है, बड़ा सिंबल देखना है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये हो गया। निकालना क्या चाहिए है, एन एन का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है 31। तो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, T31 यहाँ पे पुट करेंगे। ए फार्मूला पहले देख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। अब यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ये हो गया। प्लस एन का वैल्यू यहाँ पे 31 है, -1, और डिफरेंस का वैल्यू -3 है। तो जब भी माइनस में रहेगा तो आप ब्रैकेट में लिखें, गलत होने की चांस कम से कम रहेगा। चैप्टर इजी है। 1, अब यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, ये 30 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो माइनस ये 89 आ जाएगा। मतलब 31th जो टर्म है -89 है। उसी तरह से क्वेश्चन में और भी निकालना है, nth टर्म निकालना है। तो अब nth टर्म निकालने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या करेंगे। तो अब यहाँ पे tn निकालना है, तो इसका फार्मूला है tn का a प्लस एन माइनस वन इन टू डी। अब यहाँ पे देखेंगे ए का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं, 1 है। प्लस एन के जगह में एन ही रहना है, कुछ नहीं पुट करना है क्योंकि एन है यहाँ पे। -1 डिफरेंस देखेंगे, -3 है। यहाँ पे 1 हो गया। अब ये जो माइनस है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, ये 3n, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 और 1 ऐड करेंगे ये 4, और यहाँ पे माइनस कितना आ गया, 3n। तो
तो इसका टी एन का जो वैल्यू भी निकल चुका हम लोग को 4 - 3n। इस तरह से इसमें दो चीज़ फाइंड करना था, ये दोनों निकल गया। इसी टाइप का आपका सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, हमें बताएं, हम अपने और भी इसको सुधार सकते हैं और एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4। यहाँ पे देखेंगे 4 में, इसमें फाइंड द 12th टर्म ऑफ द सीरीज। इसमें भी हम लोग को फाइंड करना है 12th टर्म। इसमें दिया हुआ फर्स्ट टर्म a 1/3। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस rd फाइंड करने के लिए t2 - t1। t2 का वैल्यू दिया हुआ 2/3 - 1/3। जब यहाँ पे दोनों सेम है, एलसीएम लेंगे इसका 3 आ जाएगा, जब सेम रहेगा तो सिंपल ऊपर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 आया डी। फिर उसी तरह से डी निकल गया। अब देखेंगे एन का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू कितना है 12th है, निकालना फाइंड क्या करना है t12th। तो यहाँ पे लिखेंगे a+n-1d। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, ए का वैल्यू कितना है 1/3 प्लस एन का वैल्यू कितना है 12 - 1 और डिफरेंस कितना है 1/3। यहाँ पे 1/3 इसको माइनस करेंगे 11 1/3, ये 1/3 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11/3, दोनों सेम है यहाँ पे, ये दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा 12 3 4 12। यहाँ पे क्या निकल गया 4 निकल गया, मतलब जो 12th टर्म कितना फाइंड हो गया हम लोग का 12th मिल गया। किसी को भी दिक्कत है तो ज़रूर वीडियो को लास्ट में कमेंट करें। जैसे कि फिर से देख लेंगे, ए का वैल्यू पुट किए, एन का वैल्यू पुट किए, यहाँ पे इसको माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिए, ये दोनों कैल्शियम लिए हैं, इसको ऐड कर दिए, फिर डिवाइड कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे जो दिया वो क्वेश्चन, फाइंड द 8th and 9th टर्म ऑफ द सीरीज। इसमें दिया हुआ है ए का वैल्यू 2, कॉमन डिफरेंस या डी 7/6 - 2। इसका एलसीएम लेंगे 6, इसको इस मल्टीप्लाई करेंगे 12, माइनस करेंगे -5/6। अब यहाँ पे दो चीज़ निकालना है, एट टर्म और एन टर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे एन का वैल्यू 8 t8 a+n-1 d। ए का वैल्यू देखेंगे 2 n, एन का वैल्यू कितना है 8 - 1 और d का वैल्यू कितना है ऑलरेडी यहाँ से -5/6 निकालें, यहाँ ब्रैकेट में देना है इसको, ये 2 हो गया, इसको माइनस करेंगे 7 - 5/6। यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे 35/6। अब देखेंगे इसका कैल्शियम लेंगे 6 6 2 कितना हो जाएगा 12 - 35। अब यहाँ पे इसको माइनस कर देना है, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, प्लस माइनस माइनस बाई 6। तो यहाँ पे t8 जो टर्म था ये निकल गया -23/6। फिर क्या फाइंड करना था इसमें हम लोग का, क्वेश्चन में देखेंगे n भी फाइंड करना था, तो फिर यहाँ पे n फाइंड करते हैं, tn a+n-1 d। a का वैल्यू देखेंगे, a का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे 2 है, 2 पुट कर दिए, n की जगह में कुछ नहीं पुट करना है, और d का वैल्यू लाए हैं -5/6। अब यहाँ पे देखेंगे 2 है, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -5n/6 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 5/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आएगा। अब यहाँ पे 6 आ गया तो यहाँ पे 6 × 6 यहाँ पे 12 हो जाएगा, -5n+5। अब देखेंगे दोनों को ऐड कर देंगे तो 12 और 5 कितना हो गया 17, -5n/6। ये आपका एन का वैल्यू निकल गया, टी एन निकल गया। इसको इक्वेट करके आगे भी ला सकते हैं, तो अगर
ये आंसर दिया हुआ सही है, नहीं दिया हुआ तो 7 - 5n = 0। अब यहाँ पे देखेंगे इसको उठा के उधर ले जाते हैं, 5n = 17, n = 17/5, इस तरह से इसका वैल्यू भी निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में ए का वैल्यू दिया हुआ है 1, कॉमन डिफरेंस या डी 4 - 1 = 3। लास्ट इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो लास्ट टर्म दिया हुआ 55। टी एन का वैल्यू मालूम है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन दिया हुआ था 55, ए का वैल्यू 1 है प्लस एन निकालना है इसमें, और डी का वैल्यू दिया हुआ 3। इधर ये प्लस इधर में आएगा माइनस हो जाएगा 54। अब यहाँ पे एन माइनस वन इंटू थ्री, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 54/3 एन माइनस वन, इसको डिवाइड कर देंगे 3 1 3 और ये 18। इधर ये माइनस इधर प्लस, n = 18 + 1, एन का वैल्यू कितना आ गया 19। इस क्वेश्चन में बोला गया था विच टर्म ऑफ द एपी 147 इज 55, मतलब कौन सा टर्म इसमें 55 होगा, समांतर श्रेणी 147 का कौन सा पद 55 होगा। तो क्वेश्चन में ए दिया हुआ था तो ए का वैल्यू पुट किए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए वही फार्मूला में पुट किए हैं t2 - t1। अब यहाँ पे देखेंगे t2 और t1 माइनस कर दिए, कितना आ गया 3। टी एन का वैल्यू 55 दिया हुआ था, इस फार्मूला में पुट किए हैं, अब पुट करने के बाद सॉल्व किए हैं तो ये एन निकल गया हम लोग का 19th, मतलब इसका 19th जो टर्म होगा वो भी 55 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में भी ए का वैल्यू 7 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस या डी निकालेंगे t2 - t1, तो यहाँ पे निकलेगा 10 - 7, 3 आ जाएगा। इसमें से भी टी एन का वैल्यू दिया हुआ है 151। अब पुट करेंगे tn = a + n - 1 × d, ये आ गया 151, ए का वैल्यू दिया हुआ है 7 प्लस एन, एन का वैल्यू देखेंगे एन नहीं दिया हुआ है, एन माइनस वन डी, डिफ्रेंस कितना लाएँ 3, इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, 151 - 7 = n1 × d, इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ आया 4। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4 आया, ये माइनस कर दिए ये 4, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और ये कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखेंगे इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, n माइनस 1, इसको डिवाइड कर देंगे 3 4 = 12 और 3 8 जा, तो यहाँ पे 48 हो गया n - 1। अब यहाँ पे देखेंगे इधर ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, एन का वैल्यू ये 48 है प्लस कितना आ गया 49। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर